क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कह रहा है आपसे फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, इस वेक्टर के डायरेक्शन में एक वेक्टर फाइंड करना है सेम डायरेक्शन में, और जिसका मैग्नीट्यूड हो 8 यूनिट। कहने का मतलब अगर ये वेक्टर ए मान लीजिए है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में हमें एक वेक्टर दूसरा फाइंड करना है जो इसके 8 टाइम्स हो, यानी 8 वेक्टर ए हो। आई होप समझ में आया होगा आपको। आपको एक वेक्टर दिया है तो इसी डायरेक्शन में इससे 8 टाइम्स यानी मैग्नीट्यूड का 8 टाइम्स में आपको एक वेक्टर फाइंड करना है जो सेम डायरेक्शन हो। तो जब भी आपको सेम डायरेक्शन का वेक्टर निकालना हो तो सबसे पहले आप निकालोगे यूनिट वेक्टर निकालोगे, और उसमें आपको जितना मैग्नीट्यूड का है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यूनिट वेक्टर पहले निकालिए, लेट लेट वेक्टर ए इक्वल्स क्या है 5i - j + 2k आपको गिवेन है। तो सबसे पहले हमने बताया था कि मतलब आप यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, उसके बाद इसे मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स हो जाएगा आपका 5² + 1² + 2² ठीक। तो ये हो जाएगा 25 + 1 + 4, ये आपका हो गया 30√30। ठीक है, तो अब यूनिट वेक्टर ए निकाल लीजिए। वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो वेक्टर ए क्या हो गया आपका 5i - j + 2k डिवाइड बाई √30। ठीक है, ये हो गया। हमने क्या कहा था कि पहले यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, फिर उसके बाद जितना मैग्नीट्यूड है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आपका ये वेक्टर हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, सेम इसी के पैरेलल में आपको वेक्टर निकालना है। तो लिखिए कि वेक्टर पैरेलल टू दिस विथ मैग्नीट्यूड ऑफ 8 यूनिट, यानी लिखोगे वेक्टर, वेक्टर क्या है 5i - j + 2k, ठीक है, पैरेलल टू विथ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। तो क्या हो जाएगा, जो भी आप आएगा 8 वेक्टर a, इसमें आप 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 8 वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, 5i - j + 2k डिवाइड बाय √30। तो इसे आप इंडिविजुअल भी लिख लीजिए, तो 5 8 = 40, यानी क्या हो गया 40√30i। फिर माइनस है, माइनस 8, ठीक है, √30j + 8 2 = 16, √30k, ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का।